www.thebrainfarm.com। तो आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं नवी मुंबई बिज़नेस एसोसिएशन की एक मीट में, जहाँ पे कई बिजनेस मैन लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी चैरिटी करते हैं, बिज़नेस के साथ साथ लोगों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने केरला जब तकलीफ़ में था तो केरला रिलीफ फंड के लिए भी काफ़ी कुछ किया। तो दोस्तों, ऐसे बिजनेसमैन्स को हम सलाम करते हैं। नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ सलाम करता है आप सभी को। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं एक एक बड़े बिजनेसमैन्स को। आफ्टर द बिजनेस कॉन्फ्रेंस, नवी मुंबई बिजनेस एसोसिएशन इज हैविंग डिनर पार्टी एट शिकारा होटल नवी मुंबई। वी वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक टू the person who's holding this event, and we'll go to him right now. Navi Mumbai Ulve News abhi Oberoi sahab se baat kar rahi hai. Sir, is event ke bare mein kuch bataiye. ये हमारी जो हम सारे इकट्ठे होते हैं, हमारे ये गेट टुगेदर होता है जी, हम इसमें मिलजुल के अपने दुख और सुख और बिजनेस की बात करते हैं जी, और हम एक दूसरे के साथ में दुख और सुख में शामिल होते हैं जी। यही हमारा मेन एम है कि हम एक दूसरे को मिलें, उसकी उनकी जानकारी हम लें जी, भाई उनके साथ में पिछला टाइम कैसे व्यतीत हुआ है जी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये दिस इज हमारा मेन मकसद है जी। धन्यवाद सर। ओके, पवन कुमार वर्मा जी से भी बात करेंगे। सर, कुछ दो शब्द आप भी बताइए। देखिए, ऐसा है साहब, ये जो बिजनेस हमारी जो ये मीटिंग है, इसमें हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं सब लोग जी जी जी, कोई किसी व्यवसाय में, कोई किसी व्यवसाय में है, उस हिसाब से हम एक दूसरे को एक्चुअली लिंक करते हैं जी। जैसे अगर मेरा व्यवसाय मान लीजिए किसी पानी की कंपनी का है जी, तो मैं पानी की कंपनी में का बताता हूँ, किसी का कोई पेंट बेचने का है या किसी और का है उसमें बताता है, हम एक दूसरे को लिंक भी देते हैं और उनसे लिंक लेते भी हैं जी जी, इससे हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की होती है जी सर। ये एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प है, और यहाँ पे हम हर महीने इकट्ठे होते हैं जी सर इस बिजनेस मीटिंग में, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट निकले हैं कि हर एक को बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट किए, बगैर कुछ बोले कहे, हम लोग तरक्की को प्राप्त करते हैं। कई लोग एयर कंडीशनिंग बिजनेस में, जैसे हमारे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये एसी बिजनेस में है, ये अपना खुद कहेंगे कि हमारे द्वारा कईयों को हमने प्रपोज किया जो इनके पास जाते हैं, इन्होंने कईयों को प्रपोज किया जिससे मैं बिजनेस में शामिल हूँ, मेरे द्वारा ये भाई साहब बैठे हैं इन्होंने भी बहुत सारी चीजें इस प्रकार की की हैं आर्मी। तो इससे भाई साहब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। राइट राइट, इसके मीटिंग का बहुत बड़ा उद्देश्य है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। और हमारे ये जावेरी साहब हैं, जो जावेरी साहब तो एक्सपोर्ट में भी इनका बहुत अच्छा मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, और इलेक्ट्रिकल में तो मतलब ये समझ लीजिए किंग है जी, एक तरीके से पावर चीजों को लाने वाली एक बहुत बड़ी ये हस्ती है जी, जो पावर यूनिट लाए हैं, जो पावर इका वगैरह आपने सुने होंगे या दूसरे सुने होंगे, ये जावेरी साहब उसके बहुत बड़े मतलब किंग पिन रहे हैं और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर रहे हैं उसमें जी जी जी। धन्यवाद सर। महिंद्रा जी आरके मार्केटिंग से है, सर आप कुछ बताइए सर इस। मैं महिंद्रा अग्रवाल का बात कर रहा हूँ। ये हम लोग का जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस रहता है, ये हमारा एक भाईचारा है, गेट टुगेदर है। हम लोग यहाँ पे जो मिलके अपना सुख दुख या बिजनेस को जो बढ़ावा देते हैं, वही हिसाब से हम लोग बातचीत या गेट टुगेदर रखते हैं, इससे हमारा बिजनेस बढ़े और हमारा देश के लिए थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहे वो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं। वहाँ से हम लोग किसी और को बिजनेस में कुछ हेल्प रहेगा वो हम लोग करते हैं। ये हम लोग हर एक को हमारी कामना है कि हर एक आदमी आगे बढ़े, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे ये बताते हुए, नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि
इस नवी मुंबई बिजनेस एसोसिएशन ने जब केरला तकलीफ में था तो उस वक्त सबने अपनी अपनी तरफ से जो भी योगदान वो कर सकते थे उन्होंने योगदान किया है केरला रिलीफ फंड की तरफ, तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद भी अदा करते हैं और इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि कोई हमसे बात करे, देखते हैं। इसमें इस बिजनेस ग्रुप में ज़्यादा करके लोग लायंस क्लब जैसे रोटरी क्लब हो गया ऐसे क्लबों से संबंध रखते हैं, तो सर आपने क्या केरला रिलीफ फंड के लिए कंट्रीब्यूशन किया है? हमने हमारा कंट्रीब्यूशन हर एक आदमी ने 10,000 रुपया टोटल मिला के 12.5 लाख रुपया लायंस क्लब की तरफ से केरला फंड के लिए दिया हुआ है। तो मतलब 10,000 सबने निकाल के 12.5 लाख रुपए आप लोगों ने जो है केरला रिलीफ फंड को दिया था जब केरला तकलीफ में था, तो हम आपके लिए बिग चेयर्स करते हैं सर, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज़। और मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि देखिए ये भी एक बिजनेस ग्रुप है जो सरकार को मुसीबत में मदद करता है।